इतना बढ़िया कार्यकार का इस यो आपका पर्चा भी हो गया था, हम तो इसको वोट किया जी, कुछ भी नहीं, कोई इलाका सपोर्ट नहीं करना, कुछ नहीं किया इसने दलाली से अलावा, तो भाजपा को वोट दी इसे जानो, अब दिक्कत है इसे भी भूलना ही पड़ेगा, ऐसा कैंडिडेट भाजपा ने तैर दिया, ऐसे जी आ रहा है तो इनका क्या होगा भाई, ऐसे तो भगवान हाथ जुड़ा हुआ दो फेरी। मुजफ्फरनगर जिले की पुरकाजी विधानसभा सीट, ये सीट सुरक्षित विधानसभा सीट है और नई बनी सीट है, 2009 के परिसीमन में इसका गठन हुआ था। वैसे ये मुजफ्फरनगर जिले का हिस्सा है, लेकिन अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो पुरकाजी विधानसभा सीट बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में आती है। और इस सीट की खास बात ये है कि इसमें बहुत सा इलाका ऐसा लगता है जो शहरी क्षेत्र में, यानी कि मुजफ्फरनगर नगर का बहुत सा ऐसा हिस्सा, आउटसाइड का जो हिस्सा है, खासतौर से जो नई कॉलोनियाँ हैं वो भी पुरकाजी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर 2017 के विधानसभा चुनाव में सफाई कर्मचारी नेता प्रमोद ऊंटवाल को बीजेपी ने टिकट दिया था और वो जीतने में सफल रहे थे। इससे पहले 2012 में यहाँ से अनिल कुमार विधायक रहे थे बसपा के टिकट पर, और अब यहाँ पर बसपा ने सबसे पहले अपने प्रत्याशी घोषित करके चुनावी माहौल को गर्मा दिया है। हमने इस बारे में यहाँ के मतदाताओं से बात की और उनकी राय जानने की कोशिश की। उनका कार्यकाल कुछ ना, बिल्कुल बेकार कार्यकाल रहा विधायक जी का। उन्होंने पुरकाजी रोड पर स्टैंड पर बहुत दिनों तक होर्डिंग लगा रखा, पुरकाजी डिपो बन रहा है, पुरकाजी डिपो बन रहा है, वो होर्डिंग साफ हो गया, कोई डिपो नहीं बना। पुरकाजी नहर, गंग नहर का पुल खराब खड़ा है, जिससे पूरा विकास कार्य कस्बे में आने वाले बड़ी दिक्कत रही, बहुत काम रुक गया क्षेत्र के आने वालों के लिए, उन पर पुल पर आज तक काम नहीं लगा। एक बांध बनवाना चाह रहे थे खातर में, बांध बन रहा है 108 करोड़ रुपए का, कोई भी जरा सा काम नहीं लगा, कोई जेन्युइन काम विधायक जी नहीं करा सके। पुरकाजी तहसील के नाम पर बहुत दिन से भ्रमित करते, तहसील बननी कभी बरला बननी कभी पुरकाजी, तहसील का कुछ नहीं है। पुरकाजी क्षेत्र पुरकाजी पुरकाजी वाले ध्यान दें, पुरकाजी के अलावा कोई और विधायक जी का नाम भी नहीं जानते। पुरकाजी विधायक कौन है उनका कोई जानकारी नहीं है, कौन है नाम सुना, कोई वकील साहब गई है, कोई क्षेत्र में कभी नहीं देखे ने। इस बार मजबूत विधायक चाहते हैं जो पहले लोगों की सेवा करे, हर वक्त क्षेत्र में रहने वाले हो, घूमने फिरने वाले हों। कोई कार्यकाल नहीं है मेरे नज़रों में, तो कोई ऐसा काम नहीं है जो नज़र दौड़ाई जा, कोई नहीं है इतना ऐसा, तो विधायक सभी करते हैं काम, क्षेत्र में आते हैं लेकिन जो उनके अपना कोई निजी आवास हो वहाँ बैठते होंगे, वैसे तो है नहीं पब्लिकली कोई उनका वो नहीं है। बस इतने जानते हैं कोई एडवोकेट हैं सुरेंद्र पाल जी, बाकी उनका कोई क्षेत्र में योगदान या आना जाना कोई उनका वो कभी कोई नहीं रहा। हम तो विधायक चाहते हैं जो पब्लिक के बीच में रहें, सुख दुख में साथ रहे, ऐसा विधायक चाहते हैं। ऐसा विधायक नहीं चाहते जो किसी से मिले ना चिले, गाड़ी में आया निकला चला गया, ऐसा विधायक नहीं हम चाहते पुरकाजी विधानसभा। यहाँ पर माननीय विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल जी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, कार्यकाल बहुत ही सुंदर रहा, विकास की ओर बहुत ध्यान दिया गया, यहाँ पर सड़कें, आवास, जल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था एवं खाद्यान्न वितरण प्रणाली पर पूरा ध्यान दिया गया। कोविड काल में माननीय विधायक जी ने जो है भरपूर अपना समय दिया और गांव दर गांव नगर में सभी जगह गए, निशुल्क शादियां जो है गरीब बच्चियों की जो हुई हैं उसमें जो है क्या नाम पात्र परिवारों को जो है शादी का लाभ मिला है। हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, सुरेंद्र मैनीवाल उनका जो है नाम है, एडवोकेट हैं जनपद मुजफ्फरनगर में। हाँ पहले उन्होंने MLC का चुनाव लड़ा था। हम तो इसी तरह का विधायक चाहते हैं जैसे हमारे विधायक ऊंटवाल जी हैं, और कार्यकाल बहुत अच्छा उनका रहा है और आशा करते हैं कि फिर से उन्हें मौका मिले। हमारे विधायक ने ऐसा कार्य करा कि आज तक किसी गरीब को, किसी भी मतलब वैसे आदमी को या कोई कैसे भी आदमी हो जिसके घर में जवान मौत होगी एक्सीडेंट से होगी, उसके घर भी वो नहीं आया कभी हमारे गांव में। आज तक उसने आके ये देखा कि क्या एक तुगलपुर गांव हो, वहाँ से गडेरे लोग रहते हैं, उनके यहाँ मतलब जवान मौत हुई एक्सीडेंट हुआ, उसे बुलाया गया 50 आदमी ने बुलाया लेकिन नहीं आया। एक जट्टों वहाँ जट्टों में एक तेहरी थी 100 साल के बुड्ढे की, वहाँ वो गया था। एक क्षेत्र में अगर आज तक उसने किसी का दर्शन भी करे हो, हम तो ऐसा चाह जैसा अनिल विधायक है या मतलब विधायक अगर ऐसा आ जाए जैसा अनिल विधायक अगर वो इससे आ जा, और एक योगी और एक मोदी को, तीन को चाहते हैं हमारे क्षेत्र में, अगर अनिल विधायक है वो तो वास्तव में उसे वोट देंगे, और चाहे वो किसी पार्टी आए तब भी वोट देंगे।
विधायक साहब का कार्यकाल यहाँ पे ठीक नहीं रहा और जनता यहाँ से उनसे बहुत नाराज है। क्षेत्र के सभी लोगों से हमारा संपर्क रहता है, जनता के लोग सभी नाराज हैं उनसे। हमारी नज़रों में तो यहाँ पे हमारे ग्रामीण इलाकों में कोई काम नहीं हुआ। विधायक हमें ऐसे चाहिए जो जनता से जुड़ा हुआ हो, जनता के दुख सुख का साथी हो, हमें ऐसा ही विधायक चाहिए। विधायक से अक्सर लोग असंतुष्ट रहते हैं, हालांकि उन्होंने कुछ काम अच्छे करने की कोशिश की, जैसे सोलानी नदी पर बांध बंधवाने की, तहसील बनाने की, पर ये इनकम्प्लीट रह गए किसी कारणों से। क्या है, कितना उनका प्रयास था कितना नहीं था, इसलिए लोग असंतुष्ट हैं, क्योंकि वो क्षेत्र में कभी कम दिखते हैं और एज फैक्टर है उनका शायद ये, या क्या कारण है, मगर अधिक अक्सर लोग उनसे असंतुष्ट रहते हैं। चाहिए जैसा छोटी बेगम है ऐसा आदमी चाहते हैं, जिसका हस्बैंड या वो खुद से हम दौड़ सकती है, जवान है, इस ढंग का वर्कर होना चाहिए वो, बिना उसके। और क्षेत्र विधायक का ऑफिस पुरकाजी में होना चाहिए, सेंटर में, जैसा सीओ मुझे बरला में बैठने लगे सीओ यहाँ इस उसके, तो अच्छा काम किया है इन्होंने प्रमोद जी ने, मगर सड़कों का और दूसरी चीज़ों की हालत काफ़ी खस्ता रही, बनवाने की कोशिश की इन्होंने 5-6 सड़क, जैसे खुड्डा की, ये अपने हरेंटी से लगाकर शुगर फैक्ट्री तक और दूसरी कई सड़कें बनवाई, मगर उससे संतुष्ट। इतना बढ़िया कार्यकाल का इस, यो आपका पर्चा भी हो गया, तो हम तो इसको वोट किया जी, कुछ भी नहीं, कोई इलाका सपोर्ट नहीं करना, कुछ नहीं किया इसने दलाली से अलावा, क्षेत्र में हमने वोट दी, हमने गुरु जी के यहाँ से माई पावन यहाँ जी बहुत जाड़ी मंदिर है, इस मंदिर से ही माई ने उसका पर्चा करवाया था, और इसकी तरफ को तो क्या, उन्होंने तो पैसे वाले आए उसकी तरफ को देखा, इसने कुछ किया ही नहीं आज तक, हमारी तरफ को भी नहीं कुछ किया, गांव तक नहीं आ पाया इसे, तो जलाली जो सड़क बन रही, जो विकास काम हो रहा है, पुरकाजी मकान के पैसे, ये सब दलाल चल रही ना, हमको उनको जानते नहीं साहब, हमने तो भाजपा को वोट दी, इसे जानो अब दिक्कत है, इसे भी भूलना ही पड़ेगा, क्यों उनको भूलना पड़ेगा, अगले आदमी दुख सुख में नमस्ते तो किसी को कर ले, नमस्ते तो क्या यो हाथ भी नहीं हिला सकता, ऐसा कैंडिडेट भाजपा ने तैयार दिया, ऐसे जी आ रहा है तो इनका क्या होगा भाई। विधायक हम ऐसा चाह कोई भी हो जो हमारे समाज से भी, कोई भी समाज हो, कोई हीनता ना पैदा करो, सब समाज से पूछो, बड़े छोटों को से पूछो, सबके गरीब के काम हो, अमीर गरीब के सबके काम हो, हम ऐसा विधायक चाह रहे, पार्टी को जोड़ तो हम अच्छा लगा आपको वोट देते थे, ऐसे तो भगवान हाथ जुड़ा हुआ दो फेरी। बसपा ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन गठबंधन की स्थिति स्पष्ट नहीं है और ये भी तय नहीं है कि बीजेपी अपने प्रत्याशी को बदलेगी या प्रमोद अग्रवाल को एक और मौका देगी। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी।